हमारे पास क्वेश्चन पेपर है टी जी टी साइंस जो आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा कंडक्ट किया गया था पंचकुला में यहाँ साइंस से संबंधित प्रश्न है उनके अनऑफिशियल आंसर की देख लेते हैं प्रश्न नंबर फिफ्टी वन का यहाँ दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इनमें हमें आयरन और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थ्री बावन के प्रश्न में पूछा गया ग्रिन ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट माइस इन्फेक्टेड विद अस्ट्रेन डाई फ्रोम तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी निमोनिया इन्फेक्शन तिरपन के प्रश्न में पूछा गया है दी एंगल ऑफ डिप एट ए सर्टेन प्लेस इज थर्टी डिग्री इफ द दरिजेंटल कम्पोनेंट ऑफ आर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एच द इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टू आज बाई रूट थ्री यहाँ दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए गए हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन सेम है त्रिपन का आंसर होगा ऑप्शन डी चौवन का प्रश्न है इसमें हमें बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद दी हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइड्स प्रजेंट इन आवर बॉडी तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइड्स एंड टी लिम्फोसाइड्स ऑप्शन डी पचपन का प्रश्न द इिटेंट रेड इन ट्रैफिक एंड कंजस्टेड प्लेस इज ड्यू टू दी ऑक्साइड्स ऑफ इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन छप्पन का प्रश्न पूछ रखा है व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन उत्तर रहेगा ऑप्शन बी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिज ऑफ्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स फिफ्टी सेवन का क्वेश्चन इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वन जीरो फाइव सेंटीमीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर इज ट्वेंटी फॉर ए नॉर्मल सेटिंग कैलकुलेट देंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आंसर होगा ऑप्शन डी हंड्रेड सेंटीमीटर फिफ्टी एट वाट इज प्रोड्यूसड बाई ए बैक्टीरियम बेसिलस थ्रेनसीसिस उत्तर होगा ऑप्शन बी टॉक्सिन फिफ्टी नाइन का प्रश्न है इन लेड स्टोरेज बैटरी एनोड में हम क्या यूज करेंगे तो ऑप्शन होगा बी लेड एनोड पर लेड इलेक्ट्रोड यूज होगा सिक्सटी डिकम्पोजिशन इज लार्जली सिक्सटी के क्वेश्चन में पूछ रखा है डीकम्पोजिशन इज लार्जली आंसर होगा ऑप्शन डी एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस सिक्सटी वन टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंस आंसर होगा ऑप्शन ए 200 सौ बी पी ऑफ डी एन एलिक्स बासठ का प्रश्न मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाई उत्तर होगा ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 63 थ्री का पर्सन दूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द्ले बाई मीन ऑफ ए स्टॉक कार्ड ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा फ्यूनिकल चौसठ का पर्सन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल आंसर होगा ऑप्शन डी आर एन ए आर एन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल सिक्सटी फाइव का हमें कॉमन नेम बताना है गिवन फॉर्मूले का कॉमन नेम होगा ऑप्शन बी एनिस का प्रश्न पूछ रखा है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होर्स टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्फर्ड बाई द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड उत्तर होगा ऑप्शन ए इम्यूनिटी सड़सठ का इसमें लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये बताना है उत्तर होगा ऑप्शन बी एनर्जी अड़सठ का प्रश्न है दी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैप्सिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन उत्तर होगा ऑप्शन ए क्यू स्केयर बाई टू सी उनहत्तर का प्रश्न पार्चुरीशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स उनहत्तर के प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म सेवेंटी का परसेंट इसमें द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम जेल एंड एक्सेटेड फ्रॉम इज नोन एज आंसर होगा का है इसमें बताना है वाटर का आंसर होगा नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस बहत्तर का जीन पूल रिमेन्स ए कॉन्स्टेंट दिस इज कॉल्ड आंसर होगा ऑप्शन डी जेनेटिक इक्विलिब्रियम तिहत्तर का पर्सन द ऑब्जेक्ट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रोकॉम कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज थर्टी सेंटीमीटर द साइज ऑफ द इमेज इज उत्तर होगा ऑप्शन बी सात दशमलव पांच सेंटीमीटर सेवनटी फोर का पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगजन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस रेसिज तो आंसर होगा चौहत्तर के पर्सन का ऑप्शन डी पोल पचहत्तर का प्रश्न पर्सन दर्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की बतानी है उत्तर होगा ऑप्शन डी सेवनटी सिक्स पूछ रखा है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम इज दी आंसर होगा ऑप्शन ए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मेटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का प्रश्न कलर्स ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 78 एट का प्रश्न है विच इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज एस्केरियासिस आंसर होगा ऑप्शन बी एस्केरिस 79 नाइन का प्रश्न है द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ डैस सेवनटी नाइन का आंसर होगा ऑप्शन डी आयरन क्रोमेट विच ऑफ़ द हैज ग्रेटेस्ट बाई डाइवर्सिटी ऑन अर्थ आंसर होगा ऑप्शन डी दी लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट एटी वन का पर्सन देखिए यहाँ हमें ई e और आई की वैल्यू दे रखी है इंस वोल्टेज और करंट की देन द the आर्मस वैल्यू वोल्टेज एंड करंट हमें रेस्पेक्टिवली बतानी है उत्तर होगा ऑप्शन ए सत्तर दशमलव सात वोल्ट और सत्तर दशमलव सात मिली एम्पियर बयासी का प्रशन पूछ रखा है विच हॉर्मोन इज सेक्रेटेड बाई दे और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी आंसर होगा ऑप्शन बी रिलैक्सिन नेक्स्ट प्रश्न पूछा है एट द प्रेशर ऑफ ए अमाउंट ऑफ गैस वेरी यूनिवर्सली वॉल्यूम दिस इज नोन एज आंसर होगा ऑप्शन डी बॉयल्स बॉइल्स चौरासी का प्रश्न पूछ रखा है विच थ्योरी अटैम्प टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आंसर होगा ऑप्शन सी बिग बैंग थ्योरी का पूछ रखा है विच ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन हैज दीस्ट वेव वेवलेंथ उत्तर होगा ऑप्शन ए रेज नेक्स्ट क्वेश्चन फेलिंग सॉल्यूशन ए इज आंसर होगा ऑप्शन ए एक्वेस्कोपर सल्फेट ब्लू कलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कार्ड 87 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लिय discontinuously synthesized fragments are later joined by the enzyme answer hoga option b dna ligase एगेज नवासी का प्रश्न इसमें पूछ रखा है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है उत्तर होगा ऑप्शन ए अन ए टू सी ओ थ्री डो टेन एस टू ओ नाइनटी का क्वेश्चन देखिए दी माइक्रोस्पोरिंग डेवलप्स फर्दर एंड बी कैम्प्स नब्बे के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पोल सेक नेक्स्ट क्वेश्चन अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय विच बॉन्ड नाइन्टी वन का आंसर होगा ऑप्शन सी पैपटाइड बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए वायर इज इजेज टू मेक इट पॉइंट वन परसेंट लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल आंसर होगा ऑप्शन डी इनक्रीज बाय पॉइंट टू परसेंट नाइन्टी थ्री का क्वेश्चन देखिए स्पम फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ इजिज इन वीमेन अराउंड द एज ऑफ आंसर होगा ऑप्शन डी अराउंड द एज ऑफ फोर्टी ईयर्स 94 का क्वेश्चन रहेगा द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आंसर रहेगा ऑप्शन ए 9.1094 टेन टू दी पावर माइनस -31 किलोग्राम 95 का प्रश्न देखिए आफ्टर व्हिच स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो आंसर होगा ऑप्शन बी एट न्यूक्लियेट स्टेज छियानवे का पर्सन देखिए इन फोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी दी करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इंपैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू जीरो आंसर होगा ऑप्शन बी वन एट्टी डिग्री नाइंटी सेवन का पर्सन है हमारे सामने बाई ए सेल ए करंट ऑफ पॉइंट नाइन एम्पियर फॉलोज थ्रो टू ओम रजिस्टर एंड पॉइंट थ्री एम्पियर थ्रो सेवन ओम रजिस्टर द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंट फाइव एम्पियर